क्वेश्चन आंसर में है सर, मेरे को बीए विच पंजाबी लिटरेचर कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एजुकेशन सब्जेक्ट सी। हुन मैं बीएड विच केड़ा सब्जेक्ट मेजर ते माइनर रखना है। एक प्रॉब्लम है कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बताते, यूनिवर्सिटी होप और फॉर एग्जांपल आपके केस में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पीयूपी में हो या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो तो आपका दो मेजर सब्जेक्ट बन रहे हैं, एक तो हिस्ट्री बन गया, ओके, दूसरा आपका एसएसटी बन सकता है, लेकिन एसएसटी आप तभी कर सकते हैं। इनका है कि इन्होंने बीटेक की है, बीटेक पर अलग से वीडियो है, पूरा देख सकते हो। आपको हर हालत में एडिशनल पेपर देने ही पड़ेंगे, दैट इज वाई बीटेक वाले अगर लेना चाहते हैं, माइनर जो है वो ऑलवेज प्रेफर लैंग्वेज, कारण है कि लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश ली है, आप एडिशनल इंग्लिश के बीए के हर यूनिवर्सिटी से दे सकते हो। आप इंग्लिश के टीजीटी के लिए अगर एमए इंग्लिश कर लेते हो तो पीजीटी के लिए एलिजिबल बन जाते हो, टीजीटी पीजीटी के लिए, और कोई आपके लिए चारा नहीं है। दूसरा आपने एमबीए भी की है, आपका स्कूल लाइफ के सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ, ये आपको पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी आप ले सकते हो, नो डाउट, अगर किसी कॉलेज में बहुत कम में होगा तो इसकी पोस्ट ही नहीं निकलती गवर्नमेंट की, दैट इज वाई ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना। आगे चलते हैं सर, कॉम्बिनेशन क्योंकि 3 साल तक कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़िया, एडिशनल पेपर तो देना ही पड़ना, प्लीज सजेस्ट कॉम्बिनेशन। हाँ ये आपके साथ ही है मेरे ख्याल में, पता नहीं। तो एडिशनल सब्जेक्ट आप इंग्लिश या पंजाबी दे सकते हो, लैंग्वेज आप दीजिए। दूसरा आप यही अगर पूछ रहे हैं तो आपकी ये सोशल साइंस में है, एक बात ये समझ लीजिए, आप एमए साइकोलॉजी हो तो आप एसएसटी ले सकते हो, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो, तो एसएसटी लेने के बाद ये साइकोलॉजी होगी, उसके बाद 100% हिस्ट्री ही कीजिए एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल किस में, बीए में। और लेकिन आपको ये पॉसिबल है कि साइकोलॉजी या दूसरी सोशल साइंस बीए में एक और करनी पड़े, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने जब जॉब निकलती है तो उसमें साइकोलॉजी शामिल नहीं है, उसमें ज्योग्राफी साथ शामिल है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, और सोशियोलॉजी है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, और एक और सब्जेक्ट है, लेकिन साइकोलॉजी नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी नहीं है। अब आप इसके बेस पर इन यूनिवर्सिटी में तो कर सकते हो, इस यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, लेकिन आपको ये हिस्ट्री और साइकोलॉजी का, मैं साइकोलॉजी सजेस्ट करूंगा, नहीं आप दूसरी भी कर सकते हो, साइकोलॉजी का एडिशनल अगर कोई यूनिवर्सिटी लेती है, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ले सकती है, पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी अगर प्रैक्टिकल है तो नहीं लेगी, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस का देना पड़ेगा एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए सजेशन बनते हैं, कोई अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ सकते हो। दूसरा आपको लैंग्वेज ही प्रेफर करनी चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर एसएसटी है तो साथ में लैंग्वेज ही लीजिए, और कोई साइंस मैथ ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका जो भी अगर एमबीए में बनता है, कॉमर्स बनता है, वो मत लीजिए, है ना। ये आ गया आपके लिए सर, मेरे ग्रेजुएशन से केमिस्ट्री फिजिक्स, अभी इनकी बात बात में कर रहे हैं ग्रेजुएशन वालों के, साइंस वालों के। सर मेरे ग्रेजुएशन च हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, हम केड़े कॉम्बिनेशन बनते हैं जी, बहुत अच्छे बनते हैं, हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारे ही आपके सोशल साइंस है, 100% हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्टेट में एसएसटी के लिए आप एलिजिबल बन रहे हो। दूसरा आपको एसएसटी के साथ अब इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं मिल सकती, आपको लैंग्वेज ही लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज आप देखिए कि आपने पंजाबी लेनी है जिसकी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जहाँ सिलेक्शन टेस्ट के लिए कंप्लीट करना चाहते हो, जहाँ इंग्लिश, इनमें से आप प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मनवीर सिंह जी का, सर मेरे को बीएच सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ने मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी बनता है, बिल्कुल 100%, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सारे थोड़े स्कूल सब्जेक्ट है, वेरी गुड, एसएसटी आपका बनता है, साथ में आप लैंग्वेज लोगे। नेक्स्ट है सर, जो तो कॉलेज रिपोर्ट करी उस दिन ही एडमिशन फाइनल होगी, यस बिल्कुल 100%, ये मैं बात नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ क्या प्रोसीजर होगा कॉलेज जाने का, तो ये आपने अच्छा किया ये पूछ लिया, ये बता दूंगा मैं।
ठीक है, तभी होगी जब आपकी फी डिपॉजिट हो जाएगी, तब आपकी सी तो, और आपकी फीस डिपॉजिट होने के बाद आपकी आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेगा आपका कॉलेज कि इस कॉलेज के बच्चे की यहाँ एडमिशन हो गई है, रिटर्न फिल करी जाएगी वो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से। सर जी मैं पहले मैसेज किया सी पर कोई रिप्लाई नहीं किया, वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं हिस्ट्री पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की है, बहुत अच्छी है ये, तो तीनों ही सोशल साइंस ने 3 ईयर सोशल साइंस, दैट इज़ वाई यू आर एलिजिबल, तुम मिलना भी है एलिजिबल भी आप इसी के लिए हो। एसएसटी एंड ग्रेजुएशन की है सर, मैं आगे चल के पॉलिटिकल साइंस पीएचडी करनी है चाहती हाँ, शायद इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, और मास्टर पॉलिटिकल साइंस विच ही करनी हाँ, ते मेरे कॉम्बीनेशन सुजेस्ट कर दो, एसएसटी नाल सही रहूँ पंजाबी या इंग्लिश, और पीयू चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कीती साढ़े लई विच है, पता नहीं जवाब उड़ीक रही हैं आपके लिए एसएसटी, और यही साबित है, आपने ये देखना है कि आप किस में कॉन्फिडेंट हो, पंजाबी में या इंग्लिश में, क्योंकि आपको इसका एडिशनल इलेक्टिव पंजाबी का देना पड़ेगा अगर आप करते हो इसका, अगर इंग्लिश करते हो इसका भी एडिशनल बीए का देना पड़ेगा, और बीएड के साथ ही दे सकते हो अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी में पटियाला में गुरु नानक में किसी में भी हो, साथ में ही दे सकते हो और एलिजिबल बन जाओगे। मैं सुजेशन देता हूँ आप बीएड कंप्लीट करने के बाद जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी की तरफ जाना है, तो आप पेडागोजी बीएड का एडिशनल बीएड करने के बाद पॉलिटिकल साइंस का ज़रूर दो, ज़रूर दो, क्योंकि आप कंप्लीट कर सकते हो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, बाद में उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब तो नहीं कोई नाराज़गी रही। नेक्स्ट है सर, मेरे को ग्रेजुएशन च सब्जेक्ट पंजाबी इंग्लिश हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी जनरल स्टडीज सी, एम ए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है सर, मेरे कम्बिनेशन आपके सिंपल, वेरी सिंपल, एसएसटी और आपने पंजाबी की है, ये आपने बताया कि आपने पब्लिक एड है, तो आपको इनमें से लेनी पड़ेगी जहाँ तो पंजाबी जो पीछे बता के आया हूँ, ऐसे ही जहाँ आपको इंग्लिश, उसका आपको एडिशनल देना पड़ेगा, ये भी एडिशनल बीए का देना पड़ेगा अगर करते हो, है ना, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और कोई एमए वगैरह तो नहीं की, मेरी एमए सोशियोलॉजी है, तो एमए सोशियोलॉजी आप पेडागोजी ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ नहीं, जॉब नहीं निकलती, दैट इज़ वाई उसी को प्रेफर कीजिए, उसी के लिए कम्पीट कीजिए, इतनी एनर्जी को फैलाना नहीं है। नेक्स्ट है सर, मेरे कोल ग्रेजुएशन विच पंजाबी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, फिलोसफी एंड पंजाबी लिटरेचर और पब्लिक एड है, ये देखिए आप, ये फिलोसफी है और ये पब्लिक एड है, इन दोनों को मिला के आपको एसएसटी मिल गया, आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है इन दोनों को मिला के। लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट में जाते हो, पंजाब गवर्नमेंट की जॉब में जाते हो आप, तो ये पब्लिक एड उसमें है, फिलॉसफी शामिल नहीं है, तो आपको एक एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, ऐसे केसेस में कोई गाइड नहीं करेगा, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में अगर देखना है तो ये ज़रूर देख लीजिए, एडिशनल पेपर आपको हिस्ट्री का ही देना है, मेरे मुताबिक आप केवी में भी एलिजिबल हो, सेंटर में, स्टेट में, सभी में एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप बीएड कर रहे हो, आप एडिशनल नहीं दे रहे, तो आप एलिजिबल नहीं हो एसएसटी के लिए, ये समझ लीजिए। एनवायरमेंटल साइंस है, सोशियोलॉजी है, बाकी टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, है ना, तो लेकिन आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं बन रहे, आपको एडिशनल करना ही पड़ेगा। और पंजाबी लिटरेचर है 100%, अगर एसएसटी लेते हो तो पंजाबी साथ में लीजिए, अगर हाँ वो तो है ही है, एसएसटी पंजाबी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एसएसटी इन पंजाब गवर्नमेंट। सर हिंदी और एसएसटी कॉम्बिनेशन ठीक है, प्लीज़ बिल्कुल ठीक है, अगर आपने इलेक्टिव हिंदी पढ़ी है, HIND हिंदी पढ़ी है, और SST में 2 साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज पढ़ी हैं, वो सोशल साइंसेज 13 NCT की 7, ये इंपॉर्टेंट है पंजाब गवर्नमेंट की है, वो कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 4 स्कूल सब्जेक्ट है, जियो, इको, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये हो गई, और 3 उन्होंने और रखी हैं, मुझे 2 याद हैं, एक तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, पब्लिक एड है, और से कोई और सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, हाँ सोशियोलॉजी है, तो ये 7 हो गई, सिप हो गई, है ना, पब्लिक एड, हाँ ठीक है, अगर गलत हुआ तो देख लेना, लेकिन ये आप प्रेफर करना है, एडिशनल करने हैं, अगर ये किए हैं तो आप बेस्ट हो, है ना, तो ये आपने बताया नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन हिंदी का इलेक्टिव है तो बिल्कुल बेस्ट है, आप भी बेस्ट हो,
आप भी अच्छे हो, सारे अच्छे हैं। सर मेरे कॉम्बिनेशन इलेक्टिव पंजाबी ते हिस्ट्री है, तो ये आपने बाकी तो बताने थे ना, सिर्फ दो बताए हैं ये, है ना, हिस्ट्री के साथ तीसरा कौन सा पढ़ा है? तो हिस्ट्री है, अगर पंजाबी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी में हो तो SST मिल जाएगा, है ना। अगर गुरु नानक में हो तो हिस्ट्री ही आपका मेजर रहेगा, साथ में पंजाबी माइनर रहेगा, हिस्ट्री और पंजाबी आपको एडिशनल सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, जैसे पीछे बता के आऊँ, पिछले वीडियो देख लीजिए आप। नेक्स्ट है सर मेरी ग्रेजुएशन MA पंजाबी इलेक्टिव इकोनॉमिक कंप्यूटर, हो इतना कुछ पढ़ लिया आपने, मेरी ग्रेजुएशन पंजाबी इलेक्टिव, यस ये माइनर हो गया आपका, MINOR इसको नहीं छोड़ना, कॉलेज ने देना है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर पंजाबी कॉम्बिनेशन है। हाँ, अब आपका इकोनॉमिक्स बन रहा है, इकोनॉमिक्स मेजर और पंजाबी, दूसरा अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी में हो तो SST भी मिल जाएगा, उसके साथ भी पंजाबी, और तीसरा आपका बन रहा है कंप्यूटर साइंस एंड पंजाबी, ये आपका कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी मिलता होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स आप मत प्रेफर कीजिए, अगर कंप्यूटर लेते हो पंजाबी कीजिए, क्योंकि TGT के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अपने पंजाबी को नहीं छोड़ना, आपने हर हालत में पंजाबी को नहीं छोड़ना। तो अगर आप MA पंजाबी करते हो तो PGT के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें आपने चूज़ करना है कि आपने SST या इकोनॉमिक्स किस में जाना है। अगर MA इकोनॉमिक्स करनी है तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में है, तो आप इकोनॉमिक्स ही आपको बेटर रहेगा, अदरवाइज आपको पंजाबी यूनिवर्सिटी या पंजाब में जाना चाहिए SST के लिए, जिसके लिए जॉब ज़्यादा होती है। सर मेरे हिस्ट्री सोशियोलॉजी इलेक्टिव हिंदी है, वेरी गुड। हिस्ट्री सोशियोलॉजी बिल्कुल, ये पंजाब गवर्नमेंट के 7 में उसमें शामिल है, SST आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन विद हिंदी, पंजाबी नहीं लेना, इंग्लिश नहीं लेना, आपने हिंदी ही लेना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन रहे हो, और कुछ नहीं लेना, यही लेना है, कोई कुछ भी कहे। यस सेम 6 रेजोल्यूशन रिजल्ट आएगा, अगर नहीं आया तो फिर ऑप्शन की होएगी, जे रिजल्ट नहीं आंदा ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਸਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਥ ਹੀ ਮੇਜਰ ਰੱਖੀਏ, ਮੇਜਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि जे कंप्यूटर में ये लेने हैं तो हो सकता है मैथ तुहानू कॉलेज जाके ना मिले, मैथ मेजर लिया होया है ना, तो कंप्यूटर मिलने की ज़्यादा संभावना है बिल्कुल। सो आप जो है इसमें मैथ और कंप्यूटर को प्रेफर कीजिए, अगर कंप्यूटर की पोस्ट कम निकलती हैं ऐसे है तो फिर मैथ्स लैंग्वेज में जाओगे, वो पंजाबी और इंग्लिश ये प्रेफर करना, इसका आपको बाद में एडिशनल देना पड़ेगा BA का, फिर आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये रहा आपका, ये नहीं है, ये भी नहीं है। सर तुसी मेरा कमेंट डिलीट क्यों किया? सर मुझे नहीं पता कौन सा है, मैं वेरी सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया, आप दोबारा करो मैं आपको कर दूंगा, वेरी सॉरी। आई कंप्लीट माई ग्रेजुएट इन मैथ्स, साइंस वालों के लिए बाद में बात करते हैं, इतना काफ़ी है इस ग्रुप में, थैंक यू।